दिल्ली की हिंसा ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। कुछ ही घंटों की हिंसा ने ऐसा तांडव मचाया जिसे दिल्ली ने दशकों तक नहीं देखा था। इस हिंसा में सबसे ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल हुआ, सैकड़ों गोलियां चलाई गई। बताया गया कि 50 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी हैं। हिंसा के दौरान कई शख्स खुलेआम हथियारों से फायरिंग करते हुए नजर आए। इसमें से एक था शाहरुख, जिसने कई राउंड फायरिंग की है, लेकिन अब की बार उसके सामने था दिल्ली पुलिस का एक कॉन्स्टेबल। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, देख रहे हैं आप। शाहरुख ने दिल्ली पुलिस के इस कांस्टेबल के माथे पर पिस्तौल तान दी। दिल्ली पुलिस के इस हेड कांस्टेबल का नाम दीपक दहिया है, जिसने हिंसा के दौरान अकेले ही लगातार फायरिंग कर रहे शाहरुख का सामना किया, या ये कहें कि बेबाकी से सामना किया। शाहरुख के पास लोडेड पिस्तौल थी और दीपक के पास था सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस का डंडा। दीपक लगातार शाहरुख की तरफ बढ़ते रहे, उसने डराने की कोशिश की। एक वक्त तो ऐसा लगा कि सिरफिरे ने दीपक कांस्टेबल पर बंदूक ही तान दी है। अब दीपक ने सामने आकर पूरी कहानी बताई है। दीपक ने अपनी आपबीती में कहा कि वो बहादुरी का परिचय उन्होंने कैसे दिया है। वो कहते हैं कि उनकी ड्यूटी मौजपुर में लगाई गई थी, अचानक से हिंसा भड़कनी शुरू हो गई, तभी एक युवक बंदूक लेकर फायरिंग करता हुआ आगे आया, जिसे मैंने आगे आकर डंडे से डांटने की कोशिश की, फिर उसने दाईं तरफ फायर किया, पीछे हट गया। डिगन एक्सप्रेस ने दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया है कि शाहरुख के पिता भी ड्रग सप्लाई के आरोप में एक बार जेल जा चुके हैं। साथ ही उसे जिला पुलिस ने कई बार गिरफ्तार भी किया है और उसे हमेशा ही स्थानीय पुलिस की जांच के दायरे में रखा जाता है। वह एक अपराधी इरफान उर्फ छेनू पहलवान, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, उसका रिश्तेदार भी है, जो इस वक्त जेल में है। एक अधिकारी ने कहा कि शाहरुख के हथियार लहराते हुए फोटो और वीडियो वायरल होने के कुछ घंटे बाद ही उन्हें पता चल गया था कि यह हमारे इलाके का शाहरुख ही है। स्थानीय पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खबर भी की, हालांकि उस समय उसकी हिरासत या गिरफ्तारी पर कोई फैसला नहीं किया और वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ से यह अपराधी निकल गया। इसी बीच वह अपने परिवार के साथ अरविंद नगर को छोड़कर अपने घर को बंद करके वहां से भागने में कामयाब रहा। इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख के घर पर ताला लगा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाहरुख अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ वहां रहता था और उसके पिता लगभग 1985 से इसी पते पर रह रहे हैं। शाहरुख के पिता हाल ही में जेल से छूटे हैं। उसके पिता के खिलाफ पूर्वोत्तर दिल्ली के कई पुलिस थानों में NDPC की एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और उन पर जांच होती ही रहती है। बता दें कि 24 फरवरी को जाफराबाद में भड़की हिंसा के दौरान शाहरुख हवा में पिस्तौल लहराता हुआ नजर आया था। पुलिस उसे रोकने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वह लगातार फायरिंग करने में जुटा हुआ था। अब तक दिल्ली हिंसा में 48 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। हम तो आपसे यही कहेंगे कि यह फायरिंग वायरिंग करने से कुछ नहीं होगा, हीरोपंती उसी में है जब आप लोगों की जान बचाएं। बहरहाल, अगर आप हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर दें। शुक्रिया।